हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये इयररिंग बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने ये 8 नंबर के धागे लिए हैं, 0.55 mm का क्रोचेट हुक, इयररिंग बेस, जंप रिंग, प्लायर, सीजर, फैब्रिक ग्लू और स्टार्च। सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे। वन चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिंग को बंद करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से हमें सभी स्टिच में 2 2 सिंगल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से एक बार 1 और 1 बार 2 लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हमें 2 स्टिच में 1 1 सिंगल क्रोशिया और 3rd में 2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, 2 चेन लेंगे, सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1/2 डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे।
नेक्स्ट स्टिच में वन सिंगल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में टू डबल क्रोशिया लेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, ये देखिए इस तरह से, वन चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, वन चेन लेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, धागे को कट कर देंगे। अब हम लीफ बनाएंगे, एक नॉट लगा लेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, वन चेन लेंगे, सेम चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस साइड भी हमें इसी तरह से बनाना है। फर्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट टू स्टिच में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट टू में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया लेंगे, लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे। टॉप में ये देखिए, यहाँ पर जो वन स्टिच स्किप किया था उसमें भी हमें स्लिप स्टिच ले लेनी है, धागे को कट करेंगे। इस तरह से हमें टू लीफ बना लेनी है। अब हम फ्लावर बनाएंगे, एक रिंग बना लेंगे, चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, रिंग में यहाँ पर हमें फाइव सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। रिंग को बंद करेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में 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 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे,
नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर स्लिप स्टिच लेंगे, सेवन चेन बनाएंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पर हमें पेटल्स बना लेनी है। ये देखिए मैंने फाइव पेटल्स बना ली हैं। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, धागे को कट कर देंगे, अब हम सेकंड लेयर बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, चेन बनाएंगे, यहाँ पर हमें फाइव चेन बना लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेंगे, इस तरह से हमें फोर चेन में फोर स्लिप स्टिच बना लेनी है। रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, ये देखिए इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हमें सेवन पेटल्स बना लेनी है। रिंग में स्लिप स्टिच लेंगे, धागे को रिंग में से नीचे पहुंचाएंगे, रिंग को अच्छे से टाइट करके बंद कर लेंगे। अब हम थर्ड लेयर बनाएंगे, एक रिंग बना लेंगे, वन चेन लेंगे, रिंग में सिंगल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर हमें सिक्स सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, वन चेन लेंगे, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, सभी स्टिच में हमें यहाँ पर वन वन सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फर्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच लेंगे, रिंग वाले धागे को सीधी साइड कर लेंगे, ये हमारी सीधी साइड है। धागे को अच्छे से फिक्स करके कट करके हम ग्लू से चिपका देंगे। इसी तरह से हमें लीफ और फ्लावर के धागों को भी कट कर लेना है। अब हम स्टार्च लगाएंगे, बैक साइड पर हमें स्टार्च लगा लेना है। फ्लावर की बैक साइड पर स्टार्च लगाएंगे, लीफ की बैक साइड पर स्टार्च लगा लेंगे। अब हम इस तरह से अच्छे से पहले खोल लेंगे, बैक साइड पर निडल से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। सेंटर में से इस तरह से फ्रंट साइड से प्रेस करेंगे। सेकंड लेयर में इस तरह से हमें शेप देनी है, दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। लीफ को पहले अच्छे से सीधा कर लेंगे, फिर दोनों साइड से इस तरह से प्रेस करके नोक बना देंगे। जंप रिंग लेंगे, टू पेटल्स के बीच में यहाँ पर हमें
जंप रिंग को लगा लेना है। इस जंप रिंग में हम एक जंप रिंग और ऐड करेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे। सेंटर में हमें ईयरिंग बेस को लगाएंगे। इसके नीचे हमें यहाँ पर ग्लू लगा लेना है। ईयरिंग बेस के ऊपर ग्लू लगाएंगे। यहाँ पर हम सेकंड लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम ऊपर की साइड में पेटल्स को इस तरह से कर लेना है। सेंटर में ग्लू लगाएंगे। थर्ड लेयर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लगा लेंगे। ये देखिए इस अपोजिट साइड में हमें लीफ लगा लेनी है। किनारों पर हमें ग्लू नहीं लगाना है। सेंटर में यहाँ पर हमें जंप रिंग लगा लेना है। इस तरह से पहले यहाँ पर होल बना लेंगे। इसमें हमें जंप रिंग लगा लेना है। इस जंप रिंग को हम फ्लावर वाले जंप रिंग से अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। हमारे इयररिंग कंप्लीट हैं।